डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। यहां पर आपको एक फिगर देखने को मिल रहा है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 में है, आइडेंटिफाई द गैस इन्वॉल्वड एट द एनोड एंड द कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंट सेटअप। यहाँ पर अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड में आपको ब्राइन देखने को मिल रहा है। अब ये ब्राइन आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा कि ये जो प्रोसेस है वो है क्लोर अल्कली प्रोसेस। सेकेंड पार्ट में दिया है, नेम द प्रोसेस दैट अकर्स, ये तो क्लोर अल्कली प्रोसेस है। व्हाई इज इट कॉल्ड सो, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि हमें एक क्लोर यानी कि सिंपली क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है, अल्कली लाइक NaOH का प्रोडक्शन होता है। तो चलिए एक रिएक्शन के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे जो कि पार्ट 3 में भी है। दैट इज इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और इसे फटाफट से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सिंपली आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा कि कैथोड पे H2 गैस सिंपली आपको प्रोड्यूस होगा। अब आप पूछेंगे इसका रीजन क्या है, तो सिंपली कैथोड जो होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, सॉरी नेगेटिवली पार्ट जो सिंपली किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है। और हाइड्रोजन कैसा होता है, H+ पार्ट होता है, तो ये सिंपली किधर अट्रैक्ट होगा, जिधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा तो ये सिंपली नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन। और सेम केस होता है एनोड के साथ, एनोड पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोड होता है इसीलिए ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड को अपनी तरफ खींचता है। तो आपको कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे आपको सिंपली क्लोरीन देखने को मिलेगा। बी पार्ट में है कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो हमने देखा कि इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है NaOH और साथ ही साथ Cl2 का, उसको एक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब यहां पर अगर आप देखो लेफ्ट साइड में तो ब्राइन का यूज किया है। ब्राइन एक्चुअल में क्या होता है, बात तो ऐसा लगता है जैसे ब्राइन बड़ा खतरनाक चीज है, कुछ नहीं भाई, नमक में पानी मिलाना है, गजब बेइज्जती है सर। ब्राइन कहां, हम लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन था, ये नमक पानी है। हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राइन, ठीक है। तो ये नमक पानी है, ठीक है, नमक पानी करके इसका बेइज्जती नहीं करता मैं, ब्राइन है। ब्राइन को, अरे खतरनाक लगता है यार, सुनने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। ब्राइन है, जब इसको हम लोग सिंपली ऐड करते हैं, यानी कि NaCl में H2 को जब सिंपली ऐड करते हैं तो प्रोडक्शन करता है NaOH का, Cl2 का और H2 का। तो इस टाइप से आप तीनों के तीनों क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर फॉर्म में आंसर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छे तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का देखोगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।